इसके बाद हम लोग प्रजातिवाद का अध्ययन करेंगे। रेसिज्म, और देखो मानव शास्त्र में समान रूप से माना जाता है कि जो प्रजातिवाद है यह एक प्रकार का मिथक है। ये मिथक है। क्यों मिथक है? क्योंकि प्रजातिवाद का जो संकल्पना है, इस संकल्पना का विकास से 19वीं शताब्दी में यूरोप के लोगों ने किया था, और जब वो लोग 19वीं शताब्दी में एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण कायम किए, जब उनका गैर यूरोपियन लोगों से संपर्क होता है, तो उन लोगों ने एक थ्योरी प्रतिपादित कर दिया कि श्वेत लोग प्रजातीय दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ हैं। राइट? एवं अश्वेत लोग निकृष्ट हैं। है ना, कि जो श्वेत लोग है वो रेशियल दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, और जो अश्वेत लोग हैं वे रेशियल दृष्टिकोण से निकृष्ट लोग हैं। और इसके अंतर्गत प्रजातिवाद का जो आधार बनाया गया का जो बेस बनाया गया, इस बेस में एक इंपॉर्टेंट चीज था, त्वचा का रंग, है ना, स्किन कलर। दूसरा, उन्होंने रक्त की शुद्धता पर बल दिया। तीसरा, सांस्कृतिक श्रेष्ठता। चौथा, बौद्धिक सर्वोच्चता। और पांचवा, शारीरिक क्षमता। ये पांच प्रमुख चीजों की बात वो लोग कर रहे हैं। और नहीं, इसके आधार पर वो कह रहे हैं कि जो श्वेत लोग हैं उसमें ये पांचों चीज है। यानी श्वेत लोगों का जो त्वचा का रंग है, राइट, तो श्वेत लोग का जो त्वचा का रंग है ये सर्वश्रेष्ठता का निशानी है, ये सर्वश्रेष्ठ बना रहा है ना। इसके आधार पर वो रंग भेद कर रहे हैं, इसके आधार पर उन लोगों ने रंग भेद किया, और इसलिए वो ब्लैक लोगों को वो मान रहे हैं कि ये लोग असभ्य हैं, बड़बड़ हैं। राइट? ये वो लोगों ने इस बात को रखा, उन लोगों ने थ्योरी प्रतिपादित किया और इस बात को रखा। उसी तरह से उन लोगों ने कहा कि यूरोपियन जो श्वेत लोग हैं वो उनकी रक्त जो है शुद्ध है, और अश्वेत लोग हैं उनकी रक्त अशुद्ध है। देखो बाद में हिटलर ने इसको आर्य प्रजातिवाद
जर्मन आर्यन प्रजातिवाद की संकल्पना प्रस्तुत की हिटलर ने। और हिटलर ने जब जर्मन आर्यन प्रजातिवाद की संकल्पना प्रस्तुत की तो हिटलर ने कहा कि दुनिया में जो जर्मन आर्य प्रजाति है ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है। ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है। और तो बाद में हिटलर ने जब जर्मन आर्य प्रजाति की सर्वश्रेष्ठता की अवधारणा का प्रतिपादन किया तो हिटलर ने कहा कि विश्व में जो जर्मन आर्य प्रजाति है वो सर्वश्रेष्ठ है और उसकी रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए उसने जर्मनी के जो आर्य लोग थे उन पर प्रतिबंध लगाया कि वो यहूदियों से विवाह संबंध स्थापित नहीं करें रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए। ये लोग भी पहले जब प्रजातिवाद की बात कर रहे हैं तो इन लोगों ने कहा कि हमारी जो रक्त है ब्लड है वो शुद्ध है और ये लोग ब्लड की शुद्धता को बनाए रखने की बात करते हैं और उसके माध्यम से अपनी प्रजातीय सर्वश्रेष्ठता को बनाए रखने की बात करते हैं। तीसरा जो है इन लोगों ने सांस्कृतिक सर्वश्रेष्ठता की बात की और कहा कि जो श्वेत लोग हैं उनकी संस्कृति सर्वोच्च है क्योंकि वे सभ्यता की अवस्था में हैं, वो हैं सभ्यता की अवस्था में। और जो अश्वेत लोग हैं ये लोग या तो असभ्य हैं या बर्बर हैं। राइट, अश्वेत लोग या तो असभ्य हैं या बर्बर हैं और इसलिए सांस्कृतिक सर्वश्रेष्ठता के आधार पर भी उन्होंने अपनी प्रजाति को सर्वोच्च सिद्ध करने का प्रयास किया। इसके साथ ही उन लोगों ने ये बात भी स्थापित किया कि जो श्वेत लोग हैं यूरोप के वो बौद्धिक रूप से सर्वोच्च हैं और उसके लिए क्रेनियल कैपेसिटी का आकलन करके भी प्रमाण के रूप में उन लोगों ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और इसके साथ साथ ही उन लोगों ने ये भी बातें रखी कि जो शारीरिक क्षमता है यानी श्वेत लोग जो हैं उनके पास ये क्षमता है कि ये दुनिया के सभी लोगों पर शासन करें, ये वो अपनी शारीरिक क्षमता के बल पर ही दुनिया पर शासन कर रहे हैं और इसके माध्यम से उन्होंने प्रजातिवाद की अवधारणा को स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि ये प्रजातिवाद की अवधारणा किस प्रकार से मिथक है, यानी कि जब आप इसकी आलोचना की बात करेंगे तो आलोचना के अंतर्गत ये दिखाई देगा कि ये जो आधार ये दे रहे हैं ये दरअसल निर्जाति केंद्रवाद का शिकार थे। एक दृष्टिकोण निर्जाति केंद्रवाद है और इस निर्जाति केंद्रवाद के दृष्टिकोण के रूप ये प्रजातिवाद की विवेचना कर रहे हैं जिसके अंतर्गत वो अपने को सर्वश्रेष्ठ और बाकी को निकृष्ट कह रहे हैं। अदरवाइज जो उन्होंने आधार का निर्माण किया जैसे उन्होंने त्वचा का रंग की बात की तो मानवशास्त्रीय अध्ययन से ये बात प्रमाणित हुआ है कि जो त्वचा का रंग है यह त्वचा का रंग वातावरण से प्रभावित होता है और इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति गर्म प्रदेश में निवास कर रहा तो उसके शरीर में मेलानिन की मात्रा अधिक होगी और इसलिए उसका त्वचा का रंग जो है काला होता है। और अगर कोई व्यक्ति ठंडे प्रदेश में कोई समूह निवास कर रहा उसमें मेलानिन की मात्रा जो है कम होती है और इसलिए उसमें उसका त्वचा का रंग जो है श्वेत होता है उसकी त्वचा का रंग श्वेत होता है। और इस प्रकार से जो त्वचा का रंग है ये पर्यावरण के साथ समायोजन के कारण निर्धारित होता है न कि इसमें कोई प्रजातीय श्रेष्ठता का तत्व है। राइट, क्योंकि जो काली त्वचा है ये गर्म प्रदेश में अनुकूलन करने के लिए उपयोगी है
और जो श्वेत त्वचा है वो ठंडे प्रदेश में निवास करने के लिए अनुकूलन में उपयोगी है। इसलिए त्वचा का रंग के आधार पर आप जो किसी को सर्वश्रेष्ठ और किसी को निकृष्ट बता रहे हैं यह पूरी तरह से सही नहीं है, राइट। दूसरा, उसी तरह से रक्त की जो शुद्धता है, तो विश्व के जितने भी मानव पॉपुलेशन है उसके अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि कभी भी 100% जो है एक समूह अपने ही समूह के लोगों के साथ विवाह नहीं करते रहा है। हमेशा दुनिया में हर काल में इंटररेशियल, इंटरकास्ट, इंटरसोशल ग्रुप मैरिज होते रहे हैं और इसलिए रक्त की शुद्धता को बनाए रखना बहुत मुश्किल था और रक्त की सर्वश्रेष्ठता की अवधारणा भी अवैज्ञानिक है, क्योंकि ब्लड आप किसी का लेंगे तो ब्लड में सर्वोच्चता का तत्व नहीं है। ब्लड में जो जीन है वो ए बी ओ या ए बी ब्लड ग्रुप ले रहे हैं, तो ये लगभग सभी जगह पाए जा रहे हैं। हाँ, उसकी मात्रा कम है या ज़्यादा है, बट उसके आधार पर आप ये नहीं स्थापित कर सकते हैं कि हमारा रक्त ज़्यादा शुद्ध है और दूसरे का रक्त अशुद्ध है। शुद्धता भी बनाए नहीं रखी जा सकती है, क्योंकि पूरी सोसाइटी में जब आप अध्ययन करेंगे तो 2-4-5% लोग ऐसे होते हैं जो इंटररेशियल मैरिज करते ही रहते हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बातें की थी कि सांस्कृतिक रूप से यूरोप सर्वश्रेष्ठ है, तो अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो सबसे पहले सभ्यता का विकास मिस्र में हुआ, उसके बाद मेसोपोटामिया में हुआ, उसके बाद भारत में हुआ। यूरोप में तो सभ्यता का विकास बहुत बाद में हुआ, उसके बाद चीन में हुआ और उसके बाद यूरोप में सभ्यता की अवस्था आती है। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो सभ्यता की उनकी जो अवधारणा है कि हमारे सभ्यता सर्वश्रेष्ठ है और इसलिए हम प्रजातीय दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ हैं, ये बात उनकी गलत साबित होती है। दूसरा कि अंबर एंड अंबर है ना, ये बुक भी है अंबर एंड अंबर है ना, इन्होंने बुक लिखी है, बहुत फेमस बुक है। तो अंबर एंड अंबर ने 186 संस्कृतियों के बीच अंतः सांस्कृतिक अध्ययन किया, क्रॉस कल्चरल स्टडी किया और उस क्रॉस कल्चरल स्टडी के आधार पर अंबर एंड अंबर ने यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि प्रजाति और संस्कृति के बीच किसी प्रकार का अंतः संबंध नहीं होता, राइट। प्रजाति एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है और संस्कृति एक सोशल कंसेप्ट है, दोनों के बीच अंतः संबंध नहीं है। ये अवैज्ञानिक है, निराधार है कि आप प्रजाति और संस्कृति के बीच अंतः संबंध स्थापित करते हैं। उसी तरह से बौद्धिक क्षमता जो है, इसका बाद में अमेरिका में मानवशास्त्रियों ने अध्ययन किया और मानवशास्त्रियों ने जब बौद्धिक क्षमता का अध्ययन किया तो एक और चीज सामने उन्होंने लाया कि जो आईक्यू क्षमता है यह क्रेनियल कैपेसिटी से निर्धारित नहीं होता है, बल्कि आईक्यू क्षमता के निर्धारण में जो सामाजिक पर्यावरण है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जब अमेरिका में मानवशास्त्रियों ने अध्ययन किया आईक्यू क्षमता का, ऐसे बच्चे जो ब्लैक माता पिता के बच्चे थे और ऐसे बच्चे जो श्वेत माता पिता के बच्चे थे, लेकिन ब्लैक माता पिता के जो बच्चे थे वो बच्चे भी अच्छे सामाजिक हालत में रह रहे थे, उनके पैरेलल रह रहे थे, तो उसमें ब्लैक माता पिता के बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया, उनसे किसी प्रकार से आईक्यू क्षमता में उन्होंने प्रदर्शन खराब नहीं किया। और जहां तक शारीरिक क्षमता का सवाल है तो यह स्थापित हो चुका है कि जो ब्लैक त्वचा है उसमें शारीरिक क्षमता ज़्यादा होती है, विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता उसमें ज़्यादा होती है और इसलिए ये प्रजातिवाद की अवधारणा एक प्रकार से मिथक है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और इसलिए दुनिया में अब प्रजातिवाद की अवधारणा में विश्वास नहीं रखा जाता है, यह कंसेप्ट अप्रासंगिक हो गया है।